तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है न्यू ईयर आने वाले हैं। न्यू ईयर पे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फोटो अपलोड करने के लिए इस तरह के प्रोफेशनल फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 से 4 PNG का लिंक मैंने दे रखा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक अप्लीकेशन की ज़रूरत होगा, जिसे पिक्स आर्ट की, तो वो भी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ बताता हूँ इस तरह के प्रोफेशनल फोटो एडिट आप किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है bg.remove, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करना है। अपलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जिस फ़ोटो को आपको PNG में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सबसे पहले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो फोटो जो था है हमारा ऑटोमेटिक PNG में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपल हमें इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये इमेज जो है आपको PNG में गैलरी में आपको सेव हो जाएगा, जो देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपको PNG में सेव हो चुका है। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बैकग्राउंड इमेज का लिंक दे रखा हूँ, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें ऐड फोटो पे आना है, और एक मैंने 2020 का PNG में सेव कर रखा है, उसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। जो लास्ट का आपको दो डॉट दिख रहा है उसे हमें फुल साइज इस तरह से कर देना है। लास्ट में आपको बिल्कुल लेकर आ जाना है दोनों का। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों डॉट का लास्ट में लेकर आ गया। इसे आपको इस तरह से नीचे कर कर सही तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद डन कर देना है। फिर से हमें ऐड फोटो पे आना है, जो हमने गूगल से PNG में फ़ोटो कन्वर्ट किए थे उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से जूम कर कर सही तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पे इस फोटो का आपको यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो आपको सही तरह से मैं एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सही से एडजस्ट हमें कर दिया हूँ। इसके बाद फिर से हमें ऐड फोटो पे क्लिक करना है। फिर से हमें जो PNG में फ़ोटो कन्वर्ट किए थे उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है, और इस फोटो को इस तरह से आपको रोटेट कर देना है, और इसे आपको यहाँ से आपको जूम कर कर सही तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पे अगर उल्टा सीधा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, ओपेसिटी के यहाँ पे एक कम कर देना है, और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो पे आना है। मैंने एक हैप्पी न्यू ईयर का PNG में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, उसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह के इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी लिंक दे रखे हैं उसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद इसे इस तरह से ऊपर आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद इसे फिर से हमें डन कर देते हैं। ऐड फोटो पे आएंगे, इस इमेज को आपको फिर से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लेंड पे आएंगे, इसके बाद हमें इसे स्क्रीन कर देना है, इस तरह से इसे छोटा करना है। इसको आपको हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह से आपको सेट आपको कर देना है। इसके बाद इसे हम डन करते हैं। फिर से ऐड फोटो में आना है, फिर से हमें वही इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फिर से हमें ब्लेंड पे आना है, और स्क्रीन हमें कर देना है इस तरह से। फिर से हमें छोटा करेंगे, इसके बाद इसे हमें न्यू ईयर के लास्ट में हम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें ऐड फोटो पे आएंगे, इस इमेज को आपको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे PNG का इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर से हमें ब्लेंड पे आना है, स्क्रीन कर देना है, ऐसे आपको इस तरह से लास्ट पे रख देना है। फिर से मैं मल्टीप्ले कर देता हूँ। मल्टीप्ले करने के बाद इसे आपको इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर से ऐड फोटो पे आएंगे,
इसके बाद हमें फिर से इस इमेज को हमें दो बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले एक को मैं साइड करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ब्लेंड पे क्लिक करूँगा, इसके बाद स्क्रीन पे कर दूँगा। इसको आपको इस तरह से छोटा कर कर सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करने हैं, ब्लेंड पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन कर देंगे। इस तरह से हमें इसे यहाँ पे आपको लगा देना है, सिंपल। ओके कर देते हैं। फिर से हम ऐड फोटो पे आएंगे, फिर से हम एक PNG इमेज का सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को इस तरह से छोटा कर कर सही तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट आपको कर देना है। तो इस तरह की इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PNG का लिंक मैंने दे रखा हूँ, उसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पे बन चुका है। तो आपको करना क्या है, टूल्स में आएंगे, टूल्स में आने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसे में हल्का इस तरह से लाइट को कम कर देना है, सिंपल। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हमारा फेस पे जो है ना थोड़ा हल्का काला सा आ रहा है। इसके लिए क्या करना है, हमें टूल्स पे आएंगे, इसके बाद टूल्स पे आने के बाद हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें हल्का सा यहाँ पे फेस को यहाँ पे गोरा कर देना है। तो यहाँ पे 29 रहने देता हूँ, इसके बाद डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फेस जो है यहाँ पे हमें गोरा हो चुका है, सिंपल। इसके बाद हमें करना क्या है, ड्रॉ पे आएंगे, फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे। ये इमेज जो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप सिर्फ पिकआर्ट एप्लीकेशन से ही हैप्पी न्यू ईयर 2020 प्रोफेशनल फोटो एडिट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही।